करता हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, क्योंकि हुजूर अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। और मैं सबसे पहले तो जो इस ओटीटी और इस प्रोडक्शन हाउस के कर्ता धर्ता अमित जी, मयंक जी और जिनका मैं नाम भूल जाऊं, मुझे बताया था निहार जी, प्रदीप जी, उनके लिए, सत्यम जी के लिए मैं बस यही कहूंगा कि जो आगे बढ़कर लीड करते हैं ना, उन्हें हम सरदार बोलते हैं। और ये जो सामने मंच पर खड़े हैं, ये हमारे सरदार हैं। तो सरदार किसे कहते हैं? फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। खार बोलते हैं कांटे को। फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, में बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। ये वो हमारे सरदार हैं। और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगा कि ये ओटीटी और हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत फले फूले, ईश्वर इन्हें बहुत कामयाब करे, इन्हें मस्त रखे, व्यस्त रखे, स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे। बस इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में हम कलाकार लोग हैं यही कहेंगे कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत। और पहली बार मुंबई में ऑफिस डाला है अपन ने, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और अदित जी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोग यहाँ पे आए हम लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली हम लोग बस एक छोटी सी कोशिश करी है यहाँ पर, और टैक्सी कहाँ तक जाते हैं टाइम बताएगा, बट हम लोग एक कोशिश ही लेता हूँ लॉन्च किए थे करीब 3 महीने पहले, और अभी उस पर हम लोग के कुछ कंटेंट्स हैं, और अभी हम लोग उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। और एक्चुअली मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी ओटीटी ऐप हैं, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा रिफाइन देने के लिए। एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के लिए एंटरटेनिंग कंटेंट्स होंगे, उसके अलावा रील का ऑप्शन भी दे रहे हैं विद रेफरल प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग वहाँ पे एक कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मतलब एक होता है कि डिजिटल इवेंट्स इस तरह के, किसी के पास अगर सिंगिंग टैलेंट है, डांसिंग टैलेंट है, मतलब कॉमेडी में बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी भी तरह का टैलेंट अगर उनके अंदर है तो उस टैलेंट को हमारी ऐप पर डाल सकते हैं, और उसको प्रमोट करना और उनको हाइप क्रिएट करना, मतलब इन सारी चीजों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो अभी हमारी ऐप का अपडेटेड वर्जन जो है एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड टीवी ऐप और iOS ऐप, ये 3 मार्च को जिम कार्बेट में लॉन्च हो रहा है, और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो बस कोशिश यही है कि लोग इस पे के सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना आए, वो तो ऑब्वियस है कि ओटीटी है तो एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, उनके टैलेंट को जगह नहीं मिल पाती है ना, उनके टैलेंट को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला पाए, और जिसमें हम लोग उन्हें सपोर्ट कर पाए, तो बस हमारी यही कोशिश है। थैंक यू। हम लोगों के ऑडिशन भी रख रहे हैं वहीं पर, और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं आगे, इवन लोग ये हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी नॉन लोगों के साथ हैं,
अभी हमारी म्यूजिक एल्बम शूट भी होने वाली है आगे चल के मार्च में, मिड ऑफ मार्च में हम शूट कर रहे हैं अपना। और नए कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सोशली भी एक्टिव हैं, जिसमें मतलब आप हमें प्रेजेंट कर रहे हो, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिया में जो हमारा सोशली बहुत है ज़रा, उसके कुछ कंटेंट हमें एक्वायर करें हैं, वो हमारा वर्क चालू हो चुका है, उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मार्च से फुल फ्लेश उस पर काम करना चालू कर देंगे अपना। एंड थोड़ा अलग इनिशिएट है इस ओटीटी को लेके, नॉर्मली सारे कंटेंट ओरिएंटेड ही होते हैं, बट इसको हम लोग टैलेंट्स को मेनली प्रमोट करने का प्लान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी पे हमारा फोकस है। और ऑब्वियसली हम उस पर एंटरटेनमेंट तो रखेंगे रखेंगे, अभी हमारे बहुत सारे कंटेंट उस पर रन कर रहे हैं, आप जाएंगे चेक करेंगे वहाँ पे आपको देखेगा। कुछ और भी है जो अभी नए आएंगे, जिनका अभी प्री प्रोडक्शन हो चुका है।